अभी मेट्रो कोचेस के फीमेल कोचेस की बात खत्म नहीं करते, एक पॉइंट रह गया हमारा। जैसे कि अब फीमेल कोच में अगर कोई मेल आ जाता है तो ये वही कंडीशन है जैसे बर्फियों में एक लड्डू आ गया है और सारी लेडीज उसे घूरती है ऐसे, लड्डू भी ऐसा बूंदी का, ऐसा लगता है घर में घुस गया लड़का, घर में घुस गया, सारी देखती है, बोलती कुछ नहीं है। क्यों बोले भाई, बाहर से गार्ड्स आएंगे, थोड़ी कलेश देखने को मिलेगी, एक आध का चपेट पड़ेगी, बाहर जाएंगे, नहीं बताते बाहर, बस देखना है हमें शांति से, बस अब कलेश हो जाए, बाहर से गार्ड्स आए, एक दो चपेट मारे, थोड़ा सा बिग बॉस हमें मेट्रो में दिख जाए, भाई वर्किंग आवर्स के बाद थोड़ा सा एंटरटेनमेंट सुबह शाम मेट्रो में होना चाहिए। चलो अब मेट्रो के फीमेल कोचेस से बाहर निकलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल वॉचर ऑफ द मेट्रो। रियल वॉचर आंटी अंकल सारे, मतलब ऑलमोस्ट, उनका कंटेंट क्या रहता है, ऐश्वर्या राय की अपने ससुराल वालों के साथ क्यों नहीं बनती, सलमान खान की शादी क्यों नहीं हो रही, कान्हा जी के कपड़े कैसे बनाए, घर पर गोलगप्पे बनाए कैसे, और ऐसा तेल कैसे बनाए कि बाल जो है हमारी जड़े काली हो जाए, है ना, जड़ों से बाल काले हो जाए। सो वो रील वॉच देखते रहते हैं और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई आसपास लोग है भी कि नहीं, वो मस्त है अपने मगन, भाई मेरा मैं रील देख रही, तुम भी देखो। और आज जब मैं मेट्रो में आ रही थी तो एक मैंने देखा, वो अपनी प्लेलिस्ट उसने ऑन कर रखी थी, वो भी 90s की, वो अलग ही अच्छे होते 90s के गाने, बट वो जो प्रेम वाले गाने चल रहे हैं, भाई हमें नहीं सुनने आपके गाने, आपने क्यों लगा रखे हैं, आप एयरफोन्स लगा लो अपने। बट फिर कोई नहीं, मेट्रो है, दिल्ली की मेट्रो है, झेलना पड़ेगा। चलो ओके, एक और इंसिडेंट मैं बताना चाहती हूँ। सुबह जब मैं आ रही थी तो हम ब्लू लाइन से आए, एक आंटी बैठी थी, हम दोनों बहनें जो हैं खड़े थे, हम सोच रहे थे एक सीट मिल जाए, बट कोई हमें सीट नहीं मिल रही। अब एक आंटी है, उनके आसपास 3-4 सीटें खाली हो गई, उनकी बेटी बैठी है सामने वाली सीट पे, वो कहती है जिया जिया बेटा बेटा इधर आ जा, जिया देख सीट खाली हो गई आ जा, जिया नहीं आ रही, जिया नाटक कर रही है, मैं आ रही हूँ मम्मी आ रही हूँ, वो 2-3 सीट खाली हो गई, किसी और ने घेर ली, हमने सोचा जिया उठ के जाएगी, हम जिया की सीट पे बैठ जाएंगे, जिया वहां से नहीं हिली, जिया क्यों नहीं हिल रही, जिया चला रही हिले एयरफोन्स लगा के, लेकिन जिया अच्छी थी। तो जिया लगा रही है एयरफोन्स लगा के अपनी डीले, चला रही है मस्त, उसके मम्मी बोल रही है आ जा बेटा आ जा, जिया नहीं आ रही, उसके चक्कर में 3-4 सीटें हमने ऐसे छोड़ दी, हमने सोचा जिया उठ के जाएगी, शायद चली जाए, किस्मत में नहीं था। तो अब हुआ गया, लास्ट स्टेशन में हमें तो सीट मिल गई, राजीव चौक पे जैसी थोड़ी सी मेट्रो अंदर से खाली होती है, उसकी मम्मी ने देखा कि इधर की सीट भी खाली हुई है, क्यों ना जिया के साथ की सीट खाली हो गई, मम्मी उठ के आ गई जिया के पास, कहती है बेटा फोन दे अपना, क्या देख रही है, रीले देख रही है, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप निकाल, होमवर्क आया मैम का किया तूने, अब लास्ट में हमें समझ में आया कि जिया क्यों नहीं जा रही, मम्मी ने करना था चेक होमवर्क, बेटा संडे है तो क्या हुआ, स्कूल से होमवर्क तो आया है ना, वो तो करना है, बट जिया जेंजी है ना, थोड़ा सा रीले तो चलनी है ना। चलो इसी के साथ दिल्ली मेट्रो हमारी जान है, आन बान शान है, दिल्ली मेट्रो मतलब बहुत प्यारी है ना, एडवेंचर राइड है, मतलब बच्चों के लिए वो पार्क है, ऊपर टंगे रहते बंदरों की तरह देखे होंगे आपने, ठीक है, फीमेल्स के लिए वो सैलून है, फीमेल्स कोच, लड़कों के लिए ठीक ठाक चीज है, खड़े हैं बेचारे, ठीक ठाक चीज है, बैठे हैं खड़े हैं, ठीक है। और एक चीज आपने देखी होगी जो इंटरसेक्शन का होता है, फीमेल कोच का और मेल कोच का इंटरसेक्शन वाला पार्ट, वहां पे बेचारे लड़के भीड़ में खड़े हैं और फीमेल कोच में लड़कियां आराम से बैठी हैं, सीट अगर एक आधी खाली भी है ना
बेचारे लड़के सोचते यार इधर जाके बैठ जाऊँ, नहीं सोचते मेरे ख्याल से, तो देखते हैं फिर कुछ और देखते हैं, फिर कुछ और देखते हैं वो, फिर वो लड़कियाँ देखते हैं वहाँ पे जाके। चलो थैंक यू, इसी के साथ मेरा फर्स्ट टाइम था।